नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जू भाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी पंजाबी चाइनीज फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज सरदार हाइट्स तिथल रोड से फाल्गुनी मिस्त्री और क्रिश जी के साथ पूरी टीम दोनों के साथ आई थी और वलसाड़ के नए कलेक्टर मैम शिप्रा जी से मुलाकात ली और उनका स्वागत किया और उनके बिल्डिंग के बारे में, सोसाइटी के बारे में बहुत सारी अहम मुद्दों पर चर्चा की। फाल्गुनी मिस्त्री खुद एक समाज सेविका है, क्रिश जी भी एक समाज सेवक है। वे समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन सकारात्मक कार्य कर चुके हैं। अंधजन बच्चों के लिए, नेत्रहीन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारे सकारात्मक काम किए हैं। इस प्रकार के महिलाओं का, इस प्रकार के टीम का हमारे देश को, हमारे समाज को आज बेहद ज़रूरत है। कोरोना के महामारी के समय पे उन्होंने कपड़ा जाकर लोगों की सेवा करी है। आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट, उज्जवल भारत न्यूज़ देश की प्रखर आवाज़। संवाददाता सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ से, धन्यवाद। सरदार हाइट्स वेलफेयर असोसिएशन ना लोको आणि फाल्गुनी बेन मळवाळे वलसाडमा काम करवानो दर वखते आनंद मूज होय छे। आ लोकोने मळीने आनंद थयो छे अने आ लोकोनो साथ सहकार मळी रहेशे एवी अपेक्षा राखु छु। ओके, थैंक यू। अमारे पण पाणीनो प्रॉब्लेम आवानो छे कारण के अमारो पाणी पुरवठा बहुत। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फाल्गुनी मिस्त्री उपस्थित है। आइए जानते हैं आज उन्होंने किस बात के मुद्दे को लेकर आज कलेक्टर से मिली, स्वागत किया और उनका क्या मोटो है, किस प्रकार की समाज सेवा वो करती है, पूरा विस्तार पूर्वक जानते हैं। मैम, सभी को मेरा स्वागत है आपका हमारे चैनल। शुक्रिया, सभी को मेरा नमस्ते और गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कहने के लिए कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, थी और रहूँगी। मैं दूसरों के दुखों को ज़्यादा समझती हूँ कि दुखों के साथ साथ मैं उनको कोई हेल्प कर सकूँ और मेरी मदद से अगर उनके घर में या उनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन या खुशियाँ आती हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। मैंने 8-10 साल से ये काम किया है। मैं वृद्धाश्रम, अंशशाला, मानसिक विकलांग बच्चों को, धरासना, कपराड़ा ऐसी बहुत सारी स्कूल्स में मैं जा चुकी हूँ जहाँ मैंने खुद का डोनेशन, सबको डोनेशन दिलवाया है और प्रोग्राम्स कर करके सभी को, मतलब एंटरटेनमेंट मैंने करवाया है। सभी वडील भी मुझे आशीर्वाद देते हैं और आज मेरा हेतु कलेक्टर मैम से मैं थोड़ी लेट मिली हूँ क्योंकि जब मुझे पहले मिलना था तो मेरा कुछ टाइम शेड्यूल हुआ नहीं था मिलने के लिए, तो आज मैं इस हेतु से आई हूँ कि मैं सरदार हाइट्स में से, अभी सरदार हाइट्स में रह रही हूँ, तो मेरा मोटो आज का वेलकम करना था उनको जी। एंड वार्म वेलकम के लिए मेरे साथ क्रिश सर, प्रवीण भाई जी, संपत भाई जी, द फेडरेशन प्रेसिडेंट मिस्टर प्रमोद सुरती जी, तुषार भाई मावानी जी एंड लेडी पावर एम्पावरमेंट में आरती भावसार जी। सो दे ऑल आर देयर। हम लोगों को एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लाने की बहुत इच्छा थी लेकिन ड्यू टू द नॉर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग यहाँ नहीं ला पाए हैं, लेकिन सभी के बिहाफ में मैं सरदार हाइट्स के सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि सब लोग आगे बढ़े, सोचे और यही कल्पना रखें कि जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है और हम सब एक हैं।
और मैं एक शब्द आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप क्रिश सर को एक मिनट इंटरव्यू ले लीजिएगा। जरूर जरूर। क्रिश सर, इस संस्था को लेकर, इस समाज कार्य को लेकर वो क्या, उनका मंतव्य क्या है सर, बताइए। जी, हम लोग यहाँ पे कलेक्टर मैडम को मिलने आए हैं, उनको विशेष देने आए, उनका नया ट्रांसफर आया है यहाँ पे जी। तो उनको विशेष देने आए हमारे सरदार हाइट की वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से जी। और उनसे अभी मैं अलग अलग इशू पे बात करनी है हमारे इस बिल्डिंग से रिलेटेड जी, जी। तो मिलना होता रहेगा, तो इसके लिए हम हमारा इंट्रोडक्शन करने आए थे जी। और आगे ही मिलते रहेंगे इस तरह से हमारा। और हमारा जो बिल्डिंग है उसके कई सारे प्रॉब्लम्स है जो सॉल्यूशन लाना जरूरी है जी, बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए जी। धन्यवाद। उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।